हरे कृष्णा हो कह रहा है उनकी दुनिया में, ये रहेगा टॉपिक और ये रहेगा पैन नंबर वन, ये रहेगा पैन नंबर टू। हमेशा की तरह पांच पांच कार्ड लेंगे दोनों डेक में से। एक, दो, तीन, चार, पांच, नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग है। एक, दो, तीन, चार और ये हुआ पांच। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर वन के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार और ये आ गए पांच। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर टू के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नो कॉन्टैक्ट, वो कह रहा है उनकी दुनिया में। पहला एक कार्ड है टेन ऑफ व्हील्स, यानी कि अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो हैप्पी फैमिली के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये कपल है, ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वैसे ही शायद कुछ सोचा जा रहा है ज़िंदगी के बारे में सीरियसली, यानी कि किसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं उसके बारे में। पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, तो हो सकता है अपने फैमिली वालों की तरफ से भी शायद कुछ सजेशन लिया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि उनके कहने के मुताबिक भी कुछ एक्शंस ले रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को कुछ रिश्ते वगैरह आ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए हो सकता है वो रिश्ते वगैरह भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ इन डीप डाउन अपने माइंड में सोच रहे हैं कि किसके साथ वो ज़िंदगी अपनी बिताना चाहते हैं, और उन्हें सच में ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। तो टेन मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो शायद ये पर्सन कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, और वो फैसला लेने के शायद बहुत नज़दीक है वो, जिसकी वजह से शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ना है किसी एक डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पे डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, तो अगर ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, यानी कि आपसे कनेक्टेड हैं, आपको अपनी हर बात बताते हैं कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कितने भी रिश्ते इनके सामने क्यों ना आए। ये वैसे तो ऊपरी तौर पे देख लेंगे, लेकिन डीप डाउन वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे अगर उनमें लॉयल्टी है तो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन,
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो पैशनेटली शायद ये पर्सन आपसे थोड़ा अटैच फील करते हैं, यानी कि उनका दिल जो है, उनके जज्बात जो है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ऐसे दौड़ते रहते हैं। मतलब उनके अपने ही मन के ऊपर उन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता जब वो आपके ख्यालों में खो जाते हैं, और उसी वजह से शायद ये पर्सन इस तरह से सोचते हैं कि मैं खुद के ही ख्यालों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन शायद अपने दिल के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन उनका दिल जो है वो उन्हें आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, उन्हें रोक रहा है। जैसे अगर ये घोड़े पे सवार है पर्सन और ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन घोड़ा अगर तैयार नहीं है, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो ये पर्सन घोड़े के ऊपर बैठ के भी आगे कहीं नहीं जा सकता। वैसे ही शायद इनका माइंड जो है वो उन्हें कुछ और कह रहा है, लेकिन दिल है जो इस तरह से उछल रहा है कि मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। ये शायद माइंड और हार्ट की लड़ाई हो रही है, और उसी वजह से शायद ये पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं कि उन्हें अब करना क्या चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ व्हील्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे एक लेडी है और एक छोटी बच्ची है, वैसे ही शायद वो अपने घर में शायद थोड़ा ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। हो सकता है अगर मेल पर्सन है तो ममाज बॉय है, या फिर अगर फीमेल पर्सन है तो डैडीज प्रिंसेस हो सकती है। तो अपने पेरेंट्स के कहे के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे बन के। मतलब अपने पेरेंट्स को शायद पल भर के लिए ही सही, लेकिन ये सुकून दिलाना चाहता है कि आप, मैं ज़िंदगी में वही कर रहा हूँ या वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पे कि उनकी खुशी के लिए शायद इस वक्त कुछ किया जा रहा है। हो सकता है ऊपरी तौर पे है, दिल से नहीं हो रहा है, लेकिन शायद हो रहा है। नेक्स्ट है फोर ऑफ व्हील्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है। जैसे यहाँ पे ये पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, करियर को, वैसे ही और फैमिली भी आती है। और ये पर्सन देख सकते हैं आप, इसने इस पिटारे के ऊपर अपना हाथ रखा है और ऐसा इस तरह से सोच रहा है जैसे किसी की इस पिटारे के ऊपर नज़र ना पड़े। वैसे ही शायद पैसों को लेके भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। हो सकता है अपने फैमिली को लेके भी थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मतलब घर वालों का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि फैमिली के साथ रहना, यानी कि फैमिली के डिसीजन में हाँ में हाँ मिलाना उनके लिए काफ़ी सिक्योर रहेगा, उनके ज़िंदगी की सिक्योरिटी को लेके। तो ऐसे कुछ ख्याल हैं जिनके बारे में भी शायद सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन के दिल में जो प्यार है आपके लिए वो ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बिगनिंग को भी। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये पर्सन किसी के साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड आया था वो टेन ऑफ व्हील्स का था। तो ये पर्सन अगर ओवरफ्लो फील कर रहा है प्यार से, तो किसी के लिए तो दिल में प्यार होगा ही ना, तब जाके कहीं इतने जज्बात ओवरफ्लो होंगे। तो आपके लिए ये रीडिंग है, इसका मतलब आपके लिए दिल से सोचते भी हैं और आपके लिए प्यार फील भी करते हैं। इस वजह से ये जो दिल है वो आपके बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन शायद ये पर्सन किसी की बातों में आ रहे हैं और इसीलिए कुछ सीरियसली सोच रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। सॉल्यूशन, तो शायद किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम मान ले हम, तो भी उसके लिए सॉल्यूशन निकालने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। हो सकता है रिलैक्सेशन, तो शायद इस वक्त उन्हें ज़िंदगी में अगर कोई ज़रूरत है तो रिलैक्सेशन की। अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और प्रॉब्लमेटिक कुछ फेस कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है सब ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन को उन्होंने साइड में रखा है, फ़िलहाल वो सिर्फ रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीचलेस, तो शायद आपके लिए जो दिल में प्यार है उसको फील करते हुए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें, क्योंकि दिमाग शायद कुछ और कह रहा है और दिल अलग।
इस वजह से स्पीचलेस हो रहे हैं। मतलब बात करना तो शायद चाहते हैं लेकिन क्या बात करें ये समझ में नहीं आ रहा है। एंग्री ऑन यू, आप पे गुस्सा है, हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हैं, इसी वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। मतलब शायद आपके मैसेज की भी राह देख रहे हैं, हो सकता है आपके फ़ोन कॉल की भी काफ़ी इन्होंने राह देखी, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई डिस्कशन हुआ था जिसकी वजह से भी ये आप पे नाराज़ है। कॉम्प्लिकेशंस, तो मे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिनको ये फेस कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली का कार्ड आया, तो हो सकता है फैमिली में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। हो सकता है कि अपने घर वालों को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। कई बार हम ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाते और कई बार बहुत कुछ समझाने के बाद ही भी पेरेंट्स अपने डिसीजन से हटने को तैयार नहीं होते। मतलब उनका एक अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है, कई बार हमारा कुछ अलग होता है, और ऐसे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी फेस करने पड़ जाते हैं। बाद में प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं वक्त रहते, लेकिन उस वक्त वो हालात बहुत मुश्किल लगते हैं जिसकी वजह से कई बार ऐसे स्पीचलेस एनर्जी फील होती है। तो शायद ये पर्सन भी अपने दिल की बात उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शायद बात बिगड़ रही है जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस फील वो फेस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट हो क्या रहा है उनकी दुनिया में, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और शायद पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके बारे में। बैठे बैठे ही उनके दिल में आपके लिए जो ख्याल है वो बढ़ रहे हैं। ये पैशन, जैसे आप ये रिबन देख सकते हैं, वैसे ही उनके जो जज्बात है ऐसे उनके दिल के ऊपर लहराते रहते हैं। और इस ड्रेस को भी आप देखेंगे तो वो भी ऑरेंज कलर ही है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है पैशन को ही। तो अब इस पर्सन को शायद लगता है कि उन्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी राइट नाउ भी ये एक्शन लेने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं, एक्शन लेने के लिए अभी रेडी नहीं हुए हैं। थिंकिंग प्रोसेस चल रही है और उन्हें लगता है कि जो भी डिसीजन होगा आप दोनों के रिश्ते को लेके वो उनके मुताबिक होना चाहिए। मतलब जैसे एक किंग डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वैसे सब अथॉरिटी अपने अंडर रख के वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है इस पर्सन के सामने और दो ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे 3 वैंड्स है, लेकिन ये पर्सन एक ही वैंड को लेके कुछ सोच रहा है और थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा है, एक हाथ आगे बढ़ा रहा है। मतलब ये आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है अपने हाथ से आपको ज़िंदगी भर के लिए थामना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके सामने और दो ऑप्शंस भी है। ये उनकी तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं ये बात भी है, लेकिन आपकी तरफ सोच के उन्हें थोड़ा पैशन फील होता है। और जैसे हम किसी को सामने देख के अपने आप एक हाथ उठ जाता है, वैसे ही इस पर्सन को शायद आपसे जुड़े ख्यालात इतने ज़्यादा सता रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको अपने सामने कई बार फील कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये पैशन बढ़ रही है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वैंड है इस पर्सन के हाथ में, बाकी सभी वैंड को तरफ वो इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कुछ लाइटनिंग यानी कि कुछ ऐसे जज्बात है जिसकी वजह से उनके उस जज्बात को कंट्रोल कर पाना उन्हें कई बार मुश्किल हो जाता है, बहुत धुंधला सा कुछ लगने लगता है ज़िंदगी में। लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि उनका जो दिल है वो आपकी तरफ ही दौड़ता रहता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन खुशी में उछल रहा है अपने इस वैंड को हाथ में लेके, वैसे ही उन्हें पता है कि उनके काम के बाकी के वैंड्स नहीं है। मतलब ज़िंदगी में और किसी के लिए ये पर्सन पैशनेटली नहीं सोचते जैसा आपके लिए सोचते हैं, और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि एक न एक दिन ये सब बादल हट जाएंगे और तब उन्हें क्लियर रास्ता मिल जाएगा आपकी तरफ बढ़ने का। लेकिन तब तक ये आपकी तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मतलब क्लियर नहीं है उन्हें सामने की पिक्चर, लेकिन फिर भी उन्हें पता है ये जो उनका पैर है वो आपके साथ चलने के लिए बेकरार है।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच सोच के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इसने दोनों हाथ अपने सिर पे रखे हैं, वैसे ही ये ब्लॉक हो चुके हैं थिंकिंग प्रोसेस से। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है जिसकी वजह से शायद रातों की नींद गायब है। एट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके बिना उन्हें ये ज़िंदगी बिल्कुल ग्रे लग रही है। आप तीनों कार्ड देख सकते हैं, ये जो एक के बाद एक आए हैं, पहले ये आया था, उसके बाद ये और अब ये। तो ये तीनों बताते हैं कि उन्हें क्लियर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, इसलिए वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन ख्याल इतने ज़्यादा सता रहे हैं जिसकी वजह से स्टक हो रहे हैं। और उन्हें ये भी पता है कि आपके बिना ये उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल खाली है। जैसे यहाँ पे ये सब कप खाली है, किसी काम के नहीं है, वैसे ही शायद अपने ही दिल की खुशियों की तरफ ये पर्सन पीट करके खड़ा हुआ है। उसको आपके बिना और कुछ नहीं चाहिए, ये उनके दिल की ख्वाहिश है। आई एम टायर्ड, तो वो थक चुके हैं, हो सकता है सोच सोच के थक चुके हैं या फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसकी वजह से भी थक चुके हैं। क्लैरिटी, तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि उन्हें क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, तो उसी क्लैरिटी को ये ढूंढ रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी चाहिए, मतलब वो अपनी तरफ से शायद कोशिश कर रहे हैं अपनी लेवल पे आप तक पहुँचने की, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मे बी किसी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव से ये पर्सन जा रहे हैं। कई बार दूरियाँ जो होती है वो काफ़ी कुछ हमें चेंजेस कर देती है। मे बी ऐसे ही किसी वजह से इस पर्सन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उनके नेचर को लेके, कुछ फीलिंग्स को लेके, कुछ थॉट्स को लेके, थिंकिंग लेवल को भी लेके और इमोशंस को लेके। मतलब जब हम किसी के कांटेक्ट में रहते हैं तो रोज़ का डिस्कशन होता है तो एक अलग अटैचमेंट रहता है, और जब वही पर्सन बात करना बंद कर देता है तब एक मिसिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब दिल बार बार उसी पर्सन को लेके सोचता रहता है कि क्यों नहीं कॉल आया, क्यों नहीं मैसेज आया, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। इस तरह के कुछ ख्याल होते हैं जिसकी वजह से हम उस पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और उसी वजह से हम हमारे दिल के जो रियल जज्बात होते हैं उनको साइड में रख देते हैं, और तब जाके कहीं हमारा दिल हमें सच्चाई से बता देता है कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो ऐसे ही किसी बदलाव से ये पर्सन गुजर रहे हैं। मनी, तो पैसों को लेके भी शायद कुछ बातें हैं, कुछ चल रहा है। क्लोज वन, तो मे बी अपने किसी क्लोज वन से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी क्लोज वन के बारे में भी कुछ हो सकता है। क्लोज वन यानी कि उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ऐसा कोई जो उनकी फैमिली है, उनसे रिलेटेड भी कोई शायद बात चल रही है। कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है घर की कोई बात, उसकी वजह से भी ये पर्सन शायद आपसे नो कॉन्टेक्ट में है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।